नमस्कार। तो आज आप हम अदानी पावर स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट भी आप देखेंगे। तो अदानी पावर में आज हल्की सी गिरावट, पिछले 3 दिनों से हल्की हल्की गिरावट नजर आ चुके। स्टॉक नीचे की तरफ फिर से एक बार जा रहा है, क्योंकि जो कि जो तेजी देखने को मिली थी, उछाल देखने को मिला था, उसके बाद यहाँ पे पिछले 3-4 दिनों से स्टॉक में यहाँ पे फिर से गिरावट। हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद एक अच्छी रिकवरी फिर इस पिछले महीने में देखने को मिली थी स्टॉक के अंदर। आज जैसे ओपन हुआ, गैप अप से ओपन होकर ऊपर चला गया था, पर यहाँ पे ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया तो स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। 270 लेवल पे सपोर्ट लेके सस्टेन था, एक इंपॉर्टेंट लेवल है। जैसे उसको ब्रेक किया तो एंड ऑफ द डे में 267 यानी कि 270 के नीचे क्लोजिंग भी दे चुका था। मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के ऊपर सस्टेन है। अभी भी पी रेशो 10-11 का है, जो कि बढ़िया पी रेशो है अदानी पावर का। पिछले 5 दिनों में स्टॉक में देख सकते कि 2.76% की गिरावट देखने को मिले। और वैसे भी देखा जाए तो स्टॉक 200-210 लेवल पे सस्टेन था, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा था काफी दिन यहाँ पे ट्रेडिंग की स्टॉक ने, फिर उसके बाद वहां से स्टॉक में अंदर एक मोमेंटम जग गई थी। जैसे कि ये लेवल देखोगे तो वो देख सकते कि 192-210 यहाँ पे 200-210 तक यहाँ पे स्टॉक मोमेंटम कर रहा था। फिर जैसे ही 210 को ब्रेक किया था स्टॉक ने तो एक तेजी पकड़ी और स्टॉक अभी तक यहाँ पे 280 को टच किया है एक 1.5 महीने के अंदर। जो ब्लू कलर का लाइन है 200 मूविंग एवरेज है, वो भी रेजिस्टेंस एक्ट हो रहा है अदानी पावर के लिए, जो कि यहाँ पे हल्का सा गिरावट हो सकता है, 250 तक आ सकता है, आता है तो स्टॉक, क्योंकि 250 पे एक इंपॉर्टेंट सी लेवल है यहाँ पे अदानी पावर के लिए सपोर्ट लेने के लिए। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे आप देख सकते हैं अदानी पावर स्टॉक के लिए।